गाइज, आज तक मैंने कई गेम्स के फैक्ट्स को कवर किया है, बट आज मैं गेम के नहीं बल्कि गेम करेक्टर के फैक्ट्स बताऊंगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला करेक्टर के लिए मैंने लिया है माइनक्राफ्ट के मोस्ट फेमस स्टीव एंड एलेक्स को। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टीव एंड एलेक्स के ढेरों इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, सो एंड तक जरूर देखना और लाइक कर दो इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। माइनक्राफ्ट के दोनों डिफॉल्ट स्किन्स स्टीव एंड एलेक्स एक्चुअली रिलेशनशिप में है। अकॉर्डिंग टू लेगो क्लब मैगजीन जुलाई अगस्त 2016 इशू, स्टीव एलेक्स का बॉयफ्रेंड है। स्टीव एक माइनर बिल्डर एंड एल्केमिस्ट है एंड एलेक्स एक्सप्लोरर है, जिसको हंटिंग एंड एक्सप्लोर करना पसंद है, और वैसे भी गेम में भी यही करना होता है। माइनक्राफ्ट के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से गेम का प्रोटैगनिस्ट का कोई नाम नहीं होने वाला था, बट गेम के करेक्टर नॉट से पूछने पर उन्होंने मजाक में स्टीव बोल दिया। फिर स्टीव नाम काफी पॉपुलर हो गया एंड प्रोटैगनिस्ट का नाम स्टीव ही रख दिया गया। गाइज, आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, बट माइनक्राफ्ट का स्टीव स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियो गेम करेक्टर है। माइनक्राफ्ट का सबसे हैवीएस्ट ब्लॉक पहले गोल्ड ब्लॉक था, बट वर्जन 1.16 के बाद से नेदराइट ब्लॉक हैवीएस्ट बन चुका है, क्योंकि नेदराइट ब्लॉक क्राफ्ट करने के लिए 4 गोल्ड इनगोट यूज होते हैं, जो इसे गोल्ड से भी 4 टाइम ज्यादा हैवी बना देते हैं। बट इस ब्लॉक से इन्वेंट्री फुल करने पर स्टीव 650 स्टैचू ऑफ लिबर्टीज के बराबर वेट कैरी कर पाएगा, वो भी बस एक हैंड से। बट अगर इन्वेंट्री को शल्कर बॉक्स से फुल किया जाए एंड गोल्ड आर्मर के साथ, तो स्टीव 10 बिलियन पाउंड्स को कैरी कर सकता है। 10 बिलियन पाउंड्स यकीनन स्टीव को स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियो गेम करेक्टर बना देता है। माइनक्राफ्ट के अर्ली वर्जन में एक मॉब था जो बिल्कुल सेम हमारे प्रोटैगनिस्ट स्टीव की तरह था। उस मॉब का नाम ह्यूमन था, जो बस एक वियर टाइप की मूवमेंट करता रहता था एंड उसका और कोई काम नहीं था। फिर बाद में उस मॉब को गेम से हटा दिया गया। कुछ माइनक्राफ्ट फैंस का मानना है कि माइनक्राफ्ट का मेन करेक्टर स्टीव GTA वाइस सिटी के प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सेटी से इंस्पायर्ड है। दोनों करेक्टर्स का आउटफिट भी काफी सिमिलर है, बट गेम के क्रिएटर नॉच के अकॉर्डिंग ये बस एक कोइंसिडेंस था। उन्होंने बस रैंडम कलर्स को यूज किया था, लेकिन हाँ, वो GTA वाइस सिटी के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए शायद सिमिलर कलर्स आ गए होंगे। गाइस, माइनक्राफ्ट के स्टीव को ओरिजिनली नॉच के दूसरे गेम के लिए बनाया गया था, जिसका नाम जॉम्बी टाउन था। माइनक्राफ्ट बनाने से पहले नॉच ने एक गेम डेवलपमेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने कई डिफरेंट गेम्स बनाए, जिनमें से एक था जॉम्बी टाउन, जिसके लिए उन्होंने स्टीव के जैसा दिखने वाले एक करेक्टर को डिजाइन किया था। पर जब उन्होंने माइनक्राफ्ट पर काम करना स्टार्ट किया, तब न्यू करेक्टर बनाने की जगह उन्होंने जॉम्बी टाउन वाले करेक्टर को यूज कर लिया, जिसका नाम बाद में स्टीव रख दिया गया, जो कि आपको पता ही है। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन लाइट में स्टीव के नाम की स्पेलिंग स्टीवी है, जो बाकी के वर्जन्स की तरह स्टीव होनी चाहिए थी। अब पता नहीं है डेवलपर की मिस्टेक है या इंटेंशनली किया गया है। माइनक्राफ्ट का स्टीव कई डिफरेंट गेम्स में अपीयर हुआ है। सुपर स्मैश ब्रोज अल्टीमेट, सुपर मीट बॉय एंड ऐसे टोटल 12 गेम्स में माइनक्राफ्ट का कोलैबोरेशन हो चुका है। ये सब कोलैब अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स अदर गेम्स के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल ये सब कोलैब बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से किए गए हैं। भाई, अगर आप स्टीव की मूवमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टीव की बॉडी उसके लेग से प्रॉपरली लाइंड अप नहीं है। अब ये जानबूझकर किया गया है जी फाइटिंग ग्लिच को रोकने के लिए। गाइस, जब माइनक्राफ्ट के करेक्टर स्टीव एंड एलेक्स को स्मैश ब्रोज अल्टीमेट में इंट्रोड्यूस किया गया, तब ट्विटर कुछ टाइम के लिए क्रैश हो गया था, जिससे ये पता चला कि स्टीव एक बहुत ही ज्यादा फेमस वीडियो गेम करेक्टर बन गया है। सुपर स्मैश ब्रोज अल्टीमेट एक फाइटिंग गेम है, जिसमें कई सारे डिफरेंट गेम के करेक्टर्स को डाला गया है। ये गेम पीसी पे तो नहीं है, बट स्टिल काफी ज्यादा पॉपुलर है। कुछ अननोन रीजंस की वजह से स्टीव की बियर्ड को कट कर दिया गया, जो पहले गेम के बीटा वर्जन में थी, बट गेम के मर्चेंडाइज में आज भी हमें बियर्ड देखने को मिलती है। आप minecraft.net से ओरिजिनल बियर्ड स्टीव को डाउनलोड कर सकते हो। इवन सुपर स्मैश ब्रोज अल्टीमेट में जो स्टीव ऐड किया गया था ना, वो भी बियर्ड वाला ही था। अब माइनक्राफ्ट एंड सुपर स्मैश ब्रोज अल्टीमेट दोनों गेम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में सब कुछ ब्लॉक ही होता है, बट स्मैश ब्रो में ऐसा नहीं है। इसी वजह से जब स्टीव को इसमें ऐड किया गया, तब डेवलपर्स को हर एक स्टेज को अपडेट करना पड़ गया, वो भी बस एक करेक्टर के लिए, जिससे ये पता चलता है कि स्मैश ब्रोज एंड माइनक्राफ्ट का क्रॉसओवर इजी काम नहीं था। गाइस, माइनक्राफ्ट जिस टाइप का गेम है, उससे हमें स्टीव की हाइट का पता नहीं चलता, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि स्टीव की हाइट 6 फीट एंड 2 इंचेस की है, मतलब 1.875 मीटर्स। ये तो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कई शायद आपको नहीं पता होगा कि एलेक्स पहली फीमेल करेक्टर नहीं थी माइनक्राफ्ट की। उससे पहले एक राणा नाम की मॉब थी, जिसके अपीयरेंस को एक लिटिल गर्ल के जैसा बनाया गया था, बट बाद में इस मॉब को गेम से हटा दिया गया। माइनक्राफ्ट के प्रोटैगनिस्ट स्टीव को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके मॉडल को रियूज किया जा सकता है गेम के अदर करेक्टर्स में। गेम के NPC मॉडल रियलिटी में स्टीव की कॉपी है, और इसी रीजन की वजह से NPC जब हॉस्टाइल होते हैं, तब सेम स्टीव की तरह ही फाइट करते हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए गेम्स गॉसिप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।